सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में, इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है गोयल एल्यूमिनियम लिमिटेड, एनएससी में लिस्टेड कंपनी, जो आपको नॉन स्टॉप टूटते नजर आ रहा है। ऐसे में आप लोग जो शेयर है वो सेल भी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भी आपका जो शेयर के अंदर लॉस हो रहा है ये कैसे रिकवर होगा, और कब तक स्टॉक में हमें जो ना भी तेजी बनते नजर आएगी, या फिर यह शेयर यहां से जीरो होने वाला है। तो आपको डिटेल में बताएंगे बिना स्किप किए, वीडियो को एंड तक वॉच करना। जैसे कि आप देखोगे आज भी स्टॉक में 5% का एलसी लगा है। अगर मैं देखूं 5 दिन के पिछले, तो 5 दिन में नॉन स्टॉप स्टॉक टूटा है। 5-5% के स्टॉक ने एलसी दिखाई है, 18% के आसपास जो शेयर है वो टूट चुका है। इसके अंदर जो गिरावट होना स्टार्ट हुई थी, आप देखोगे भाई तकरीबन 47 रुपये 45 पैसे के आसपास से 28 अप्रैल को इसके अंदर गिरावट होना स्टार्ट हुई थी, और 28 अप्रैल तक अब तक आप देखोगे स्टॉक हमें तकरीबन 42% के आसपास टूटते नज़र आ चुका है। 22% का स्टॉक में फॉल आ चुका है, और ऐसे में ये शेयर टूटने वाला है 50% के आसपास। अगर आप लोग चाहते हो कि स्टॉक 50% न टूटे, स्टॉक में पहले तेजी बने, तो आपको इस शेयर के अंदर जो लगाने वाले ऑर्डर हैं, ठीक है, जो आपने सेलिंग के लिए डाल रखे ना, ये हटाने पड़ेंगे भाई। आपको यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रखा है पब्लिक ने, उसे कम करना पड़ेगा, उसे खत्म करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग देखोगे कि स्टॉक में फिर से बाइंग आना स्टार्ट होगी। अदरवाइज ये शेयर नॉन स्टॉप टूटेगा, और 50% तक तो जो ना ये शेयर लाजमी टूटेगा अगर ऐसे ही सेलिंग प्रेशर स्टॉक के ऊपर क्रिएट होता रहा तो। तो यहाँ से आपका जो लॉस है वो कैसे रिकवर होगा, आप देखोगे स्टॉक के अंदर तेजी कब बनेगी, 50% टूटने के बाद स्टॉक में जो ना भी चांसेस बनेंगे 50% के आसपास या 45% के आसपास, जब शेयर ऊपर के लेवल से टूट जाएगा ना, तब स्टॉक में तेजी आने के चांसेस रहेंगे। यानी कि 23 रुपये 25 रुपये के आसपास जब शेयर आएगा, तो वहां से आप देखोगे स्टॉक में तेजी बनने के चांसेस रहेंगे। इसलिए आपको जैसे स्टॉक 25 को नीचे में ब्रेक करें, तो वहां से आप लोगों को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में, यानी कि एवरेज करने के लिए। तो एकदम से तो आप लोग एवरेज कर नहीं पाओगे, अगर एकदम से एवरेज करने के बारे में चलोगे तो आपको इसमें बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्या पता स्टॉक 20 के नीचे में चला जाए। तो ऑपरेटर गेम वाला शेयर अभी कुछ भी नहीं कह सकते, स्प्लिट दिया था, स्प्लिट के बाद एक दिन स्टॉक ऊपर में चला, 2 दिन फिर स्टॉक के अंदर हमें एलसी पर एलसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो ये गेम था, ऑपरेटर का गेम था, इसके अंदर ट्रैप हुए हैं। जैसा कि आप देखोगे सेरा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, अक्षिता कोटल लिमिटेड, और आप देखोगे भी ये जो गोयल एल्यूमिनियम है, ये इनके अंदर जो ना भी हैवी ऑपरेटर गेम चल रहा था। सभी इन तीनों स्टॉकों के अंदर एक ही ऑपरेटर घुसा हुआ था, जो तीनों के अंदर जो ना भी हमें ये पंप करवा रखा था शेयरों को। तो यहाँ पर आप लोग तो ट्रैप हुए हो, तो इस ट्रैपिंग के अंदर एक क्वार्टर फोर से उम्मीद थी कि क्वार्टर फोर रिजल्ट के कारण स्टॉक में जो ना भी अच्छी तेजी और बन सकती थी, लेकिन क्वार्टर फोर रिजल्ट जब आया तब भी आपको बोला था कि स्टॉक में बिग फॉल बनेगा, यहाँ से एग्जिट करना आई थिंक सबसे बेस्ट है। लेकिन अब आप देखोगे शेयर सेल भी नहीं कर पा रहे हो, तो जब तक यहाँ पर ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट आप ऐसे करते रहोगे, तो आप अपने शेयर भी सेल नहीं कर पाओगे, और इसका अपोजिट स्टॉक के ऊपर ज़्यादा सेल प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कितने ज़्यादा सेल ऑर्डर हमें देखने को मिल रहे हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर तकरीबन 84 लाख के आसपास, और जो टोटल लगे हुए सेलिंग ऑर्डर वो यहाँ पर आप लोग देखोगे 88,18,156 सेल ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। इसके अपोजिट बाइंग के लिए एक भी नहीं है। तो यहाँ पर जब तक ये सेलिंग प्रेशर कम नहीं होगा, तब तक इस शेयर के अंदर तेजी नहीं बनेगी, और ये सेलिंग प्रेशर पब्लिक कर रही है। जब तक ये पब्लिक यहाँ से अपने सेल ऑर्डर नहीं हटा देती है, तब तक शेयर में तेजी के कोई चांसेस नहीं बनेंगे भाई। तो यहाँ पर ये जैसे ही सेल ऑर्डर हटेंगे, तब जाकर जो शेयर के अंदर बड़े इन्वेस्टर फिर से घुसेंगे, और स्टॉक को वहाँ से जब स्टॉक में यूसी लगना स्टार्ट हो जाएगा ना, वहाँ से स्टॉक के अंदर 15-20% का लालच करना आपको। ज़्यादा अगर लालच करके बैठे रहोगे तो भाई स्टॉक के अंदर एक बड़ा फॉल आएगा। आप ये भी मत सोचो कि स्टॉक फिर से अपने बाउंड वीक हाई जो 47 रुपये उसको ब्रेक कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। स्टॉक अब यहाँ से डाउन 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 लास्ट में 4-5 रुपये के आसपास आएगा। तो इस शेयर के अंदर हैवी ऑपरेटर गेम था, और इस ऑपरेटर गेम चलते स्टॉक अब बुरे तरीके से डंप होगा, 90% तक स्टॉक में फॉल आने वाला है। तो यहां पर आपको संभलना है, अपनी कैपिटल यहां पर जितनी मिले उतनी बचाकर बाहर निकलना है, और स्टॉक के अंदर जब जब आपको मौका मिले यूसी लगते नजर आए, तो वहां से 10-15% लेकर एग्जिट करते रहना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।